स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं धार की खबरों की ओर। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की मध्य प्रदेश इकाई के तत्वावधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 10 संरक्षकों की उपस्थिति में सोसाइटी के अलग अलग जिलों से आए अध्यक्षों का साफा बांध एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष हाजी जाहिद खान पठान उपस्थित थे। सम्मेलन संयोजक सैयद रियाज ने बताया कि हजरत नजमुद्दीन शाह कलंदर सरकार नालछा शरीफ जिला धार कैंपस में सुबह 11 बजे से आयोजित सम्मेलन में हज वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ हज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इलियास खान पठान नीमच, अब्दुल रजाक सिद्दीकी ब्रानपुर, मोहम्मद एजाज बाबूभाई धार, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद ग्वालियर, डॉक्टर एजाज खान सेंधवा जिला बड़वानी, डॉक्टर मुख्तार खान खरगोन, मुस्तकीम मुगल अलीराजपुर को कामयाब कप्तान अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। चिराग कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया के सौजन्य से दिए गए अवार्ड बतौर स्मृति चिन्ह हम कदम अवार्ड के रूप में सभी उपस्थित सदस्यों को दिए गए। सम्मेलन में उपस्थित मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोया खान पांडल्या जिला खरगोन और डॉक्टर खुशबू फरदीन खान को हज टूर्स कॉर्पोरेशन और मुफ्ती सज्जाद साहब की ओर से स्मृति चिन्ह दिए गए। सम्मेलन में महमूद सेठ गोगांव जिला खरगोन, महमूद जकरिया राणापुर जिला झाबुआ, मोहम्मद मोइन मतीन ब्रहानपुर, जाकिर खान खरगोन, अल्ताफ आजाद खरगोन, जाबिर शेख देवास, शबनम खान जावरा जिला रतलाम, साबिर हुसैन साबरी इंदौर, मोहम्मद आरिफ मंसूरी खाचरोद जिला उज्जैन, अब्दुल रहीम तिगाले बड़वानी, लियाकत हुसैन ग्वालियर सम्मेलन संरक्षक के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर असलम शेख बड़वानी अनवर जिंद्रान खरगोन, आबिद शेख बड़नगर जिला उज्जैन, अब्दुल गफ्फार खत्री सेंधवा जिला बड़वानी, मोहम्मद निजाम खरगोन, इकबाल अंसारी ब्रानपुर, जाहिद खान महेश्वर जिला खरगोन, रियाज उल हक अंसारी ब्रानपुर, मोहम्मद अनीस ब्रानपुर, इंतकाब अली खंडवा, कयामुद्दीन कयाम खरगोन, आजम खान नीमच, नाहर खान मंसूरी नीमच, सैयद ताहिर अली रतलाम, अनिस खान कसरावत जिला खरगोन, सैयदा बिलकस रतलाम, सलीम हनफी बड़वानी, आलम मोहम्मद रतलाम, फिरोज खान बीकनगांव जिला खरगोन, फरियाद अली नीमच, डॉक्टर शफी से कादरी सेंधवा जिला बड़वानी, मोहम्मद सलीम राणापुर जिला झाबुआ, असरार खान सेंधवा जिला बड़वानी, साजिद राजधानी सेंधवा जिला बड़वानी, शेख शकील शेख खरगोन, हामिद अख्तर मंसूरी नीमच, मोहम्मद जुबेर रहमानी इंदौर, उबेद रहमानी इंदौर, जुबेर कुरेशी धार, आजम शेख राही धार, वसीम शेखदार आदि मौजूद थे। सम्मेलन में हम कदम सामाजिक खिदमत कमेटी की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सैयद रियाज धार मोहम्मद शाकिर जिंदरान खरगोन, मोहम्मद अमजद खान पहलवान खरगोन एवं मुकित खान खंडवा को शाल प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट किए गए। सम्मेलन की शुरुआती मौलवी अजीम साहब इंदौर ने कुरान पाक की तिलावट से की। नात पाक जुम्मा जी शबनम खान जावरा रतलाम ने पढ़ी। सम्मेलन में मानव सेवा के कार्यों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान पर मौलवी अजीम साहब ने रोशनी डाली। हज उमराह पर कोरोना प्रोटोकॉल का असर विषय पर साबिर हुसैन साबरी ने अपनी बात रखी। सम्मेलन को जाकिर खान अल्ताफ आजाद सैयद रियाज ने संबोधित किया। सम्मेलन का सफल संचालन महबूब खान खरगोन ने किया। हज व तालीम से जुड़ी संस्था ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी ने वर्ष 2022 को मुस्लिम शिक्षा जागृति वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।